यूपी बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक है आज। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष समीक्षा करने वाले हैं। महाजनसंपर्क अभियान आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ से भी हो सकती है मुलाकात। बीजेपी प्रदेश महामंत्रियों के साथ अलग से बैठक। महामंत्री सोशल मीडिया विंग के साथ भी बैठक करेंगे। चर्चा होगी 2024 को लेकर के संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा होगी। देखिए बीजेपी पर लगातार बीएल संतोष का जो फोकस है वो यूपी पर बना हुआ है, क्योंकि चुनावों की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो 403 विधानसभा सीटें 80 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश बेहद खास हो जाता है, दिलचस्प राज्य है। आखिरी वोट तक, आखिरी वोट की गिनती तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा। इस बीच महाजनसंपर्क अभियान का जो फीडबैक है बीएल संतोष लेने वाले हैं। चलिए ग्राम जीरो का रुख करते हैं। विवेक तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संवाददाता सहयोगी, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ खास रहने वाला है बीएल संतोष के दौरे पे। विवेक जी, देखिए जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर लगातार बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, फिर चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हो या फिर संगठनात्मक स्ट्रक्चर की बात की जाए, बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, अपने लोगों को जोड़कर रखना चाहती है और ग्राउंड जीरो पर भी लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको भी बखूबी बनाए रखना चाहती है। बिल्कुल, इसके साथ साथ जो दूसरे दलों से जुड़े हुए छोटे छोटे दल हैं उनको भी बीजेपी में जोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों को जोड़ा जा चुका है, कुछ लोगों को आगे आने वाले एक हफ्ते के भीतर जोड़ा जाएगा। तो ये सारी कवायद एक साथ चल रही है। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, वो अब बस अब से कुछ देर में वो लखनऊ लैंड करेंगे। 11 बजे से उनकी बैठकों का सिलसिला यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुरू होगा। देखिए 2 दिन का उनका प्रवास है, इस दौरान उनको बहुत से मीटिंग्स को लेना है, लेकिन जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा है 2024 के इलेक्शन को लेकर के, उसके रोड मैप को लेकर के, और उसमें भी उन सीटों पर अभी पहले राउंड में फोकस किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी 2019 में समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन के हाथों हार चुकी थी। ऐसी 16 सीटें हैं, उन 16 सीटों के लिए अलग से भारतीय जनता पार्टी ने विस्तारकों की नियुक्ति की थी, उनसे फीडबैक मंगाया है। वो विस्तारक आज सारे बुलाए गए हैं जो बीएल संतोष के साथ और जो प्रदेश महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के, उनके साथ बैठ करके उन विस्तारकों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। जो वहाँ के सांसद चुने गए हैं उनकी रिपोर्ट कैसी है, क्या कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, उनका क्या प्रोफाइल है, उनका उन्होंने क्या काम किया है, कितनी तैयारी है वहाँ पर और वहाँ पर क्या करना है। तो सबसे ज़्यादा फोकस उन 16 सीटों पर है बीजेपी का जो 2019 में वो हार गई थी विपक्ष के हाथों, उन सीटों को दोबारा बीजेपी में लाना है किसी तरह से, ये सबसे पहली बात है। फिर उसके बाद प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक है, मीडिया के साथ भी बैठक है, महापौरों को बुलाया गया है, जो 17 नगर निगम के महापौर चुने गए थे, 67 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया है, उनके साथ बैठके होंगी। शाम को मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात होगी और इसके अलावा कल भी कुछ बैठकों का सिलसिला होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है 2 दिन का प्रवास बीएल संतोष का, और जो फोकस रहने वाला है 2024 का इलेक्शन है। विवेक जी, मैं एक विषय और समझना चाहूंगी और मेरे माध्यम से हो सके तो तमाम जनता को भी समझाइए कि देखिए बीएल संतोष जब भी पहुंचते हैं तो बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाता है और वृहद स्तर पर बैठक होती है। अब ऐसे में प्रदेश स्तरीय जो महामंत्री हैं उनकी बैठक होने वाली है, साथ में जो सोशल मीडिया विंग है उनकी भी बैठक होगी, ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है यूपी के लिहाज से? देखिए इस पर लगातार फोकस है और इससे पहले भी कुछ करीब एक महीने पहले इस तरह की एक बड़ी बैठक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई थी जिसमें मीडिया और आईटी सेल के सारे लोगों को बुलाया गया था। उसमें तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से भी आए थे, उन्होंने एड्रेस किया था। वो पक्ष भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा मजबूत है उत्तर प्रदेश में और जो दूसरे दल हैं उसके आगे कहीं ठहरते नहीं हैं। तो इस ताकत को लगातार कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब चूंकि चुनाव आ रहा है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप होंगे, तमाम मुद्दे उठाएंगे, उसको कैसे हैंडल करना है, इन सारी चीज़ों पर भी बीजेपी का बहुत ध्यान है। लिहाजा मीडिया और आईटी सेल के साथ भी एक बैठक बीएल संतोष यहाँ पर करने जा रहे हैं और ये बैठकों का सिलसिला केवल बीएल संतोष तक महदूद नहीं है। जो केंद्र में, जो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी संगठन में दूसरे लोग हैं जो उनकी विंग है, वो भी लगातार इनके संपर्क में रहती है और इनको और होना भी चाहिए विवेक, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के मायने क्या है 2024 के लिहाज से ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।